हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से बहुत बड़ी अपडेट देने के लिए हम आपके बीच आ चुके हैं। फ्रेंड्स, बता दूं कि अगर आपने बिहार पैरामेडिकल में प्रवेश परीक्षा दिया है और पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा देने के बाद अब आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि काउंसलिंग कब होगा और काउंसलिंग कब होगा और कैसे होगा। जब काउंसलिंग होगा तो आप लोग को उसमें डाउट होगा कि बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जो ANM करना चाहती हो या वैसे कैंडिडेट जो GNM करना चाहते हैं, तो ANM वालों के लिए कितना रैंक तक वाले स्टूडेंट को ANM यहां पर मिल जाएंगे, ANM स्कूल इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे, और GNM वाले को कितने रैंक तक वाले को यहाँ पर GNM का इंस्टीट्यूट कॉलेज मिल जाएंगे, ये सारी जानकारी आपके इस वीडियो के कंप्लीट करेंगे और ऑफिशियल जानकारी के माध्यम से आपको काउंसलिंग से रिलेटेड पूरी कंप्लीट जानकारी भी मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि अगर यहाँ पर आओगे बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड पर, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी के माध्यम से आपको ANM का और GNM का काउंसलिंग कराए जाएंगे। मैं काउंसलिंग से रिलेटेड पहले बात कर लेता हूँ, फिर आपको रैंक के अनुसार बात करेंगे। तो ANM और GNM के जो काउंसलिंग से रिलेटेड जब जानकारी आएगी तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, जिसका यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट यही है, BCECE सर्च करोगे तो आपको आ जाएगा। और फ्रेंड्स, हम अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे। दोस्तों, ऑनलाइन जब काउंसलिंग होगा तो आपको ऑनलाइन काउंसलिंग में अपना को फॉर्म फिल करना होता है, यानी कि एक रजिस्ट्रेशन करना होता है, और रजिस्ट्रेशन में आपको अपना रोल नंबर, आप अपना डेट ऑफ बर्थ सारा चीज़ उसमें डाल करके एक अपना प्रोफाइल बना लेना है। उसके बाद दोस्तों उसमें स्कूल जो सेलेक्ट करोगे ANM वाले ANM के लिए और GNM वाले GNM के लिए, वो सारा प्रोसेस होता है। तो ये जब ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा यानी कि काउंसलिंग के प्रोसेस, तो हम आपको बिल्कुल फ्री में काउंसलिंग कराएंगे। याद रखिएगा, हम फ्री में काउंसलिंग कर देंगे, आप लोग बस कांटेक्ट करिएगा, आपको कांटेक्ट नंबर हम जारी कर देंगे, उस कांटेक्ट करके आप लोग फ्री में मेरे से काउंसलिंग करवा सकते हो या काउंसलिंग से संबंधित कोई भी जानकारी पूछ सकते हो बिल्कुल फ्री। साथ ही दोस्तों, इसके लिए अभी भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ओपन है, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करें, जिससे कि आपको बिहार पैरामेडिकल से रिलेटेड कोई भी जानकारी आएगा तो सबसे पहले उस चैनल के माध्यम से यानी कि उस ग्रुप में भी डाल देते हैं। तो चलिए, ये काउंसलिंग की बात है, काउंसलिंग जब स्टार्ट होगा तो उस समय हम आपको पूरी कंप्लीट जानकारी देंगे। अभी रैंक की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ANM का रैंक की बात कर लूँगा कि ANM में कितने रैंक तक वाले स्टूडेंटों को इस बार एडमिशन होना है। दोस्तों, बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा में अगर बात करोगे ANM एडमिशन का, तो 4255 सीटों पर इस बार गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन होना है। अब इतनी बड़ी सीटों पर एडमिशन होना है तो रैंक देख लेते हैं हम लोग। रैंक यहाँ पर बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी वाले जो भी कैंडिडेट हो, अगर आपका रैंक 11500 तक है तो आप लोग का यहाँ पर एडमिशन हो जाएंगे, और BC कैटेगरी वाले 6500 रैंक तक अगर आपका यहाँ पर आया हुआ है 6500 तक, तो आप भी सुनिश्चित रहिए, या इससे कम है तो भी होगा, और इससे मतलब ज़्यादा तक मैक्सिमम 7000 तक जाएगा BC कैटेगरी वाला का, लेकिन इससे ज़्यादा तक नहीं जाएगा। यानी कि 6500 से 7000 के बीच अगर आपके पास है तो बिल्कुल आप लोग फ्री रहिए, आप लोग को बिल्कुल से यहाँ पर एडमिशन हो जाएंगे। EBC कैटेगरी वाले 5500 यहाँ पर 5800 तक बात कर लेते हैं, 5500 से 5800 तक अगर आपका यहाँ पर रैंक है तो बिल्कुल EBC वाले कैंडिडेट आपका भी ANM को स्कूल यहाँ पर मिल जाएंगे। EWS वाले 3500 से 4000 के बीच आप अपना रखिए, 3500 से 4000 के बीच अगर आपका रैंक आ रहे हैं तो आप भी एकदम फ्री रहिए, आपका भी यहाँ पर ANM स्कूल मिल जाएंगे। और SC कैंडिडेट बात करोगे तो 4000 से 4200 तक आप लोग का होना चाहिए, 4000 से 4200 तक अगर आपका रैंक है तो बिल्कुल एकदम फ्रेश रहिए, आपका भी एडमिशन होगा। ST कैटेगरी वाले 400 से 600 तक यहाँ पर रखिए, आप लोग को बिल्कुल रूप से यहाँ पर मिल जाएंगे। RCC वाले 7000 तक अगर आपका रैंक है तो बिल्कुल मिल जाएंगे, और DQ वाले 550 तक अगर आपका रैंक आ गया है तो आप भी सुनिश्चित रहिए, आपको भी ANM में यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा और आप लोग ANM के कोर्स कर पाओगे। अब मैं बात कर लेता हूँ GNM का, GNM की बात करेंगे तो GNM के लिए जनरल कैटेगरी का 2500 तक रैंक आना जरूरी है जनरल में, और BC कैटेगरी वाले को 2200 तक, ठीक है। अब बात कर लेते हैं EBC का, तो EBC को 1800 तक यहाँ पर हो जाएंगे, और SC वाले को 800 तक अगर आपके पास हैं तो आपका भी यहाँ पर हो जाएगा। आगे बात कर लेंगे ST का, तो ST का 150 तक रैंक है, मैं सिर्फ रैंक की बात कर रहा हूँ, ये नंबर नहीं है, रैंक की बात कर रहा हूँ, तो ST वाले 150 तक का वाले को हो जाएगा। EWS वाले 1000 तक रैंक अगर आपके पास है, 1000 तक रैंक है तो बिल्कुल आपको इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे, GNM एडमिशन हो जाएगा। DQ वाले 500 तक और RCG वाले 2400 तक आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। तो ये रैंक के एनालिसिस किया गया है, चूँकि इसमें 1538 सीट है और इसके अनुसार से इस रैंक पर हम एनालिसिस किए हैं। अगर आपके पास इतना है तो बिल्कुल रूप से सुरक्षित रहिए, आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाएंगे। और दोस्तों, काउंसलिंग से रिलेटेड जानकारी आपको हम दे ही दिए कि काउंसलिंग अभी नहीं होगा, अभी कुछ टाइम है, आप लोग रुक जाइए, उसके बाद जैसे ही काउंसलिंग की कोई जानकारी आती है तो हम आपको ऑनलाइन कराएंगे और पूरा कंप्लीट जानकारी देंगे, इसके लिए आप लोग बिल्कुल फ्री रहिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि कोई भी नई जानकारी यहाँ पर डालूँ एएनएम जेएनएम से रिलेटेड तो सबसे पहले आपके पास तक पहुँच सकेगा। थैंक यू।